भाई माशाल्लाह पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो जमा हो गए फुसान में। तो फुसान में जो हैं हमारे ये नए दोस्त जो हैं अली भाई हैं, नाम भी अली है, इनका नाम भी अली है। खैर तो ये आप यहीं पे रहेंगे या वापस चले जाएंगे? मेरा तो वीजा खत्म हो गया है, 6 महीने रह गए तो जाएंगे वापस या कोई वापस जाना है, हमने तो क्या करना है। अच्छा वापस जाना है इंशाल्लाह, पहला वीजा है। अच्छा पाकिस्तान जाएंगे फिर दोबारा आएंगे, दूसरा वीजा लगाएंगे फिर इंशाल्लाह जाएंगे। मतलब 10 साल का वीजा पूरा करके जाएंगे? 10 साल पूरे करेंगे। हाँ मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे शादी करनी है यहाँ पे रहना है? नहीं अभी तक। अच्छा इंशाल्लाह 4.5 साल हो गए हैं, अभी रिटर्न दोबारा आएंगे पाकिस्तान से वापस, इंशाल्लाह इधर ही सेटल होंगे। इधर ही सेटल होंगे? जिंदाबाद। वाह भाई वाह, ये अच्छा है कि यहाँ तो बंदे का पक्का मंसूबा हो गया मैंने यहीं पे रहना है जी। बिल्कुल इसी तरह, अगर वो आप पे डिपेंड करता आपके, यानी कि आपके हालात कैसे हैं पाकिस्तान में, अगर आप इधर सेटल होना चाह रहे हैं इधर हो जाएं, अगर नहीं तो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। हाँ हाँ, बहुत से लोग यहाँ से चले जाते हैं फिर आने के लिए, फिर पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान का हालात सेट नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, जल्द होएंगे, जल्द वापस आएंगे। अभी आए आप जाएंगे वापिस या नहीं जाएंगे? अच्छा जी मैं इन भाई से मुखातिब हो जाऊँ। भाई आप, वालेकुम अस्सलाम, कितना टाइम हो गया भाई आपको? 6 साल हो गए ना। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, बहुत से दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कमेंट्स में कि कोरिया में दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, माशाल्लाह आपने रखी हुई है, तो बहुत खुशी हुई मुझे किसी दाढ़ी वाले सुन्नत रसूल के मुताबिक जो है मुझे बात करने का मौका मिला। तो इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जॉब मिलने पर, रखने पर लोगों में कुछ इस तरह कुछ ऐसा फील होता हो गया ये मैंने दाढ़ी रखी हुई है तो? नहीं कोई मसला नहीं है, ना कंपनी की तरफ से कोई मसला है ना ही कोई काम करने वाले। अच्छा मतलब जो दाढ़ी रख के आसानी से आ भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है ना? नमाज पढ़ने में भी कोई मसला वगैरह नहीं? दूसरों की जिस पर इज्जत की नज़र से देखा जाता है, जो कल्चर को जानते हैं वो इज्जत की नज़र से देखते हैं दाढ़ी। अच्छा ये हकीकत है, ये बात जबरदस्त, क्योंकि बहुत से दोस्तों को ये डर है कि पता नहीं दाढ़ी वाले बिलीव करते हैं इस आदमी का, अगर इसने दाढ़ी रखी हुई है, कोरियन भी ये समझते हैं कि ये बंदा पक्का होगा, ये पक्का फौजी बात नहीं करेगा, झूठी बात नहीं करेगा, ज्यादा बिलीव करते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी हुई। और अभी एक कौन रह गया, मुदस्सिर भाई रह गए और नवीद भाई रह गए। नवीद भाई बताएं कोरिया छोड़ेंगे या नहीं? कोरिया अगला साल इंशाल्लाह चला जाना है। वीजा छोड़ के वापस नहीं? वीजा मुकम्मल करके फिर अगला वीजा लेना है, फिर अगला वीजा जाएंगे। जाएंगे? जाएंगे। अच्छा जब तक तो वीजा देता जब तक तो हम कहते हैं जाएंगे, मगर बहुत से दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं जाना चाहते। अभी इंशाल्लाह वैसे भी 2020 तक वैसे भी चले जाएंगे, सारी पब्लिक चली जाएगी। सारी पब्लिक? वो कैसे? इंशाल्लाह वो कैसे? बस इंशाल्लाह भी हालात हमारे अच्छे हो रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान 2 साल है, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएंगे, चले जाएंगे। मैं तो सर इंशाल्लाह स्टडी कर रहा हूँ अभी, लेवल 4 में, मतलब KIP में पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वीजा चेंज करेंगे? वीजा चेंज। चलो माशाल्लाह, ये तो सबसे परफेक्ट, मतलब एक कानून के मुताबिक सही है, मगर बहुत से दोस्त 10 साल रहने के बाद दोबारा आना चाहते हैं कि यार मैं जो है ना बस दोबारा आ जाऊं कोरिया यार। जो पहला मेरा वीजा था उसमें भी काफी दोस्तों ने मशवरा दिया कि ना जाओ वापस, में क्या करना है जाके, तो बड़ी मुश्किल होता है ना। अच्छा। लेकिन अल्लाह पे भरोसा करके वो उस वक्त भी चले गए हैं जी जी। और अल्लाह ने दुख चाह तो दोबारा फिर आ गए हैं जी जी। हो गई है इंशाल्लाह, आगे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वीजा चेंज हो जाए इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं प्रोग्राम लेवल के मुताबिक चलो फिर तो हो जाता है, अभी तो 6 साल हुए ना, 4 साल पहले ही हो जाएगा, अभी 2 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अच्छा इंशाल्लाह प्लान तो है कि 5 साल का वीजा तो कम से कम कम्प्लीट किया जाए, अभी 2 साल हुए हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ पे 5 साल का वीजा कंप्लीट भी कर पाऊँ कि नहीं, जल्दी चला जाऊँ। हाँ स्वंत भाई तो हमारे जो है अभी आए, तो इंशाल्लाह ताला जब इनकी शादी होगी यहाँ बच्चे होंगे, चाची चाचू बोल फ्यूचर के यूट्यूबर हैं, फ्यूचर के यूट्यूबर और अली भाई फ्यूचर के यूट्यूबर हैं, अली भाई फ्यूचर के यूट्यूबर। तो अभी चलते हैं, हम माजी के हैं, हम माजी के हम